Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा आई लैशेज़ गिरने का प्रॉब्लम है, आपकी लैश लाइन बहुत ज़्यादा खाली हो गई है, या फिर आपकी आई लैशेज़ बढ़ती नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है आपको कि आप किस तरह से जो है आप आई लैशेज़ वग़ैरह कैरी करें, फेक लैशेज़ लगाती हैं, तो आज जो है वो आपकी सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। तो सबसे पहले जो मैं आपको मेथड बताने वाली हूँ वो है कॉम्बिंग, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा है कॉम्बिंग। यहाँ पे जो है मेरे पास बॉबी ब्राउन्स का ब्रश है, आप देख सकते हैं कि बॉबी ब्राउन्स का मेरे पास कॉम्बिंग ब्रश है, ठीक है। तो ये लैशेस के लिए होता है ख़ास करके, और आपके आईब्रोज को शेप देने के लिए होता है। तो आपने क्या करना है, इस कॉम्ब को अपनी लैश लाइन पे जो है वो अप्लाई करना है, यानी कि इससे आपने कॉम्बिंग करनी है। इससे कॉम्बिंग करने से जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा होगी, या आप मस्कारा ब्रश भी ले सकती हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो आपने क्या करना है, इससे इस तरह से कॉम्बिंग करनी है, अपर लैश लाइन पर इस तरह से कॉम्बिंग करनी है आपने, और इस तरह कॉम्बिंग करने से जो है ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा होने लग जाएगी, जिसकी वजह से आपकी लैशेज जल्दी ग्रो होंगी। दोस्तों उसके साथ ही मैं आपको एक और टिप देती हूँ कि अगर आपके पास इस तरह की कॉम नहीं है जो कि आईब्रो के लिए मोस्टली यूज़ की जाती है और लैशेज के लिए, तो आप जो है मस्कारा ब्रश ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ब्रश किट है तो उस पर ये ब्रश ज़रूर आपके पास होगा। ये भी मेरे पास बॉबी ब्राउन्स का है, आपके मस्कारा में ये ज़रूर होगा, जो खाली मस्कारा होते हैं। आपने इस तरह से जो है वो अप्लाई करना है, कॉम्बिंग करनी है इसके साथ, तो ये भी बहुत ज़्यादा जो है अच्छे आपको रिज़ल्ट देगा, और इससे जो है ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने से हमारी लैश लाइन पे जो है वो हेयर्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, और जो है बहुत जल्दी से आपके खाली लैश लाइन जो है वो पड़ना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये भी एक अच्छी टिप है, अगर आप इसे डेली यूज़ करें, आपने डेली 5 मिनट्स के लिए ऐसा ज़रूर करना है, इससे बहुत जल्दी जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन में तेज़ी आना शुरू होगी और लैश लाइन में बाल आना शुरू हो जाएंगे। तो दूसरा जो मेरे पास स्टेप है वो है प्लांट एसेंस। प्लांट एसेंस हेयर लाइन को बहुत जल्दी से जो है फिल कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास डव का जो है प्लांट एसेंस है, ये आपने पहले भी मेरी किसी वीडियो में देखा होगा। ये प्लांट एसेंस बहुत ही ज़्यादा सेफ है, आप इसे जो है स्किन पर भी यूज़ कर सकते हैं और हेयर्स पर भी यूज़ कर सकते हैं। प्लांट एसेंस क्या है, अगर आपके पास डव के अलावा कोई और हेयर ऑयल है तो आप वो भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आपने क्या करना आपने ये है कि आपने थोड़ा सा जो है ये प्लांट एसेंस ऑयल ले लेना है, डव के अलावा किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं आप। तो आपने क्या करना है, इसे थोड़ा सा ले के जो है इस तरह से जो है अप्लाई करना है आपने लैश लाइन पे। इस तरह से आपने हल्के हाथों से मसाज कर लेना है, जो अपर लाइन है आपने उस पर इस तरह से मसाज करना है, हल्के हल्के से आपने हाथों को टैप भी करना है, ताकि थोड़ी सी जो है फोर्स आपकी लैश लाइन पे लगे और इस तरह जो ये ऑयल है वो आपकी लैश लाइन में पेनिट्रेट हो जाए। तो अपर लैश लाइन को आपने इस तरह से जो है वो सर्कुलर मोशन में मसाज कर लेना है, और लोअर लैश लाइन को आपने इस तरह से मसाज कर लेना है। तो दोस्तों प्लांट एसेंस जो है आपकी लैश लाइन को बहुत जल्दी से फिल अप कर देगा, और अगर आपके थिन हेयर्स हैं उन्हें थिक करेगा, और अगर आपकी लैश लाइन में कम बाल हैं तो वो ज़्यादा हो जाएंगे। गारंटी मैं आपको देती हूँ कि अगर आप रेगुलरली इसे 5 डेज़ यूज़ करते हैं तो आपको वाजिया फ़र्क नज़र आएगा, और आप देखेंगे कि आपकी लैश लाइन कितनी जल्दी से फिल अप हो गई है। आपने जो है इस तरह से जो है इसे अच्छी तरह से मसाज कर लेना है, 5 मिनट के लिए आपने इसे मसाज करना है। ये ऑयल आपकी कि हेयर लाइन पे बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा सेफ इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने प्लांट एसेंस ऑयल जो है वो ले लेना है। आपको मेडिकल से छोटी बॉटल भी मिल जाएगी, अगर आप डव का लेना चाहें तो आप ये भी ले सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा सेफ है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है लैशेस ऑयल, जो कि होममेड ऑयल है। मैं आपको इसको आज बनाना बताऊंगी कि आपने किस तरह से इसे बना लेना है। तो दोस्तों लैश लाइन के लिए जो ऑयल आप बनाना चाहते हैं उसे आप किसी भी बॉटल में बना लें, या किसी भी जार में बना के सेव कर लें, और काफ़ी टाइम तक आपके यूज़ में आएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जो ऑयल मैं आज आपको बनाने जा रही हूँ उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा कोकोनट ऑयल। तो दोस्तों कोकोनट ऑयल जो है वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नरिश करता है,
तो आपने बहुत थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले लेना है। यहाँ पे मैंने प्योर कोकोनट ऑयल इस्तेमाल किया है, आपने भी यही रिफाइंड कोकोनट ऑयल जो है वो यूज़ कर लेना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैंने बहुत थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लिया है, ये 2.5 मिलीलीटर कोकोनट ऑयल है। और इसमें मैंने विटामिन ई का एक कैप्सूल शामिल कर दिया है, वो क्लिप मुझसे मिस हो गई थी लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपसे वीडियो मिस हो। तो इसमें मैंने कुल विटामिन ई का 400 mg का एक कैप्सूल शामिल किया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये आपने अप्लाई करना है रात को सोने से पहले, अपनी लैश लाइन पे अप्लाई कर लें। अच्छी तरह से आपने अप्लाई करना है, ऊपर वाली लैशेस पे आपने अपवर डायरेक्शन, जबकि नीचे वाली लैश लाइन पे आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसे अप्लाई करना है। और आपने जब इसे अप्लाई कर दिया तो आपने इसे ओवरनाइट छोड़ देना है, और ओवरनाइट छोड़ने के बाद सुबह आपने इसे वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि कितनी जल्दी इसका आपको असर होगा और कितनी जल्दी आपकी लैश लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाएगी, और आपको ये जो है हेयर ऑयल जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगा, आपकी लैश लाइन को बहुत जल्दी से ग्रो अप करेगा और आपकी लैश लाइन जो है वो 15 डेज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, आपने उसके साथ साथ जो है इस बात का ख्याल रखना है कि आपने अपनी स्किन पे, ख़ास करके आपने अपनी लैश लाइन पे कोई भी गैर मेयारी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना, और साथ साथ आपने एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल भी ज़रूर करना है। दोस्तों, एसेंशियल ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, आप इन्हें इस्तेमाल किया करें, अपने हेयर लाइन पे भी इस्तेमाल किया करें, इसके अलावा आप अपनी लैश लाइन पे भी ज़रूर इसे इस्तेमाल किया करें। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, एसेंशियल ऑयल में लेवेंडर ऑयल और बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो आ जाते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वेजलिन। वेजलिन आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है, पेट्रोलियम जेली। अगर आपके पास किसी भी किस्म का ऑयल नहीं है तो आप पेट्रोलियम जेली से उसे थोड़ा सा फिंगर में लेके वार्म अप कर लें। वार्म अप करने के बाद आपने इससे हल्के हाथों से लैश लाइन पे मसाज करते हुए पेनिट्रेट कर लेना है और ओवरनाइट इसे छोड़ देना है। दोस्तों, उसके बाद सुबह आपने अपनी लैशेस को जो है वो सादे पानी से वॉश कर लेना है। इसके भी बहुत जल्दी से आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपको बहुत जल्द जो है अपनी लैश लाइन में वाजिया फ़र्क नज़र आएगा, आपकी लैश लाइन बिल्कुल ड्राई अप नहीं रहेगी और साथ ही साथ आपकी लैश लाइन सॉफ्ट भी हो जाएगी और छोटे छोटे टाइनी हेयर्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। किसी भी फेक ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, और फेक ट्रीटमेंट से आप अपनी लैश लाइन और लैशेस का जो बुरा हाल करते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आप जो है नेचुरल तरीक़ों से अपनी लैश लाइन को बढ़ाएं, और साथ ही साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी डाइट को बहुत अच्छा बनाएँ ताकि आपकी लैश लाइन जो है वो गिरना ना शुरू हो। दोस्तों, लैशेस को अच्छा बनाने के लिए और ग्रो करने के लिए आपको साथ ही साथ जो है बहुत अच्छी खुराक की ज़रूरत है। आप ज़्यादा वेजिटेबल्स खाएं, ज़्यादा फ्रूट खाएं, फ्रूट में आप सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट ज़्यादा खाएं, आप गैर मयारी मस्कारा ना यूज़ करें। और दोस्तों, आपने कोई भी ज़्यादा पुराना मस्कारा यूज़ नहीं करना, हर 2 माह बाद या 3 माह बाद आपने अपने मस्कारे को चेंज कर लेना है, वरना आपकी लैश लाइन बहुत जल्दी खाली होना शुरू हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा आपकी लैश लाइन से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लैश लाइन जो है वो हेल्दी रहे तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, और ये सारे मेथड्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं आपने उनको ज़रूर फॉलो करना है। पानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और गैर मयारी प्रोडक्ट से आपने अपनी लैश लाइन को बिल्कुल बचाना है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन है उसे क्लिक कर दें। फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।